लाल किला रेड फोर्ट। इस किले का परिरूप कुरान में वर्णित स्वर्ग या जन्नत के अनुसार बना है। यहाँ लिखी एक आयत कहती है, यदि पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। अपनी पूरी वेगशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करें, इसे अति सुंदर और भव्य रूप दिया था। यही वजह कि लाल किले के निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इस भव्य किला बनाने की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहा जाता था। साथ ही यह शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इसे किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। वही
17वीं शताब्दी पर जब लाल किले पर मुगल बादशाह जहांदर शाह का कब्जा हो गया था, तब करीब 30 साल तक लाल किले बिना शासक का रहा था। इसके बाद नादिर शाह ने लाल किले पर अपना शासन चलाया। सके बाद 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और इसे किले में जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा पहराकर देश के नाम संदेश दिया था। वही आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। वही इसके आकर्षण भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था और आज इसकी खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग इसे देखने दिल्ली जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। लाल किला ऐतिहासिक स्मारक विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लाल किला के सौंदर्य, भव्यता और आकर्षण को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। यह शाही किला मुगल बादशाहों का न सिर्फ राजनीतिक केंद्र है बल्कि यह औपचारिक केंद्र भी हुआ करता था, जिस पर करीब 200 सालों तक मुगल वंश के शासकों का राज रहा। देश की जंग ए आज़ादी का गवाह रहा लाल किला। मुगलकालीन वास्तुकला सृजनात्मकता और सौंदर्य का अनुपम और अनूठा उदाहरण है लाल किला। 1648 ईस्वी सन में बने इस भव्य किले के अंदर एक बेहद सुंदर संग्रहालय भी बना हुआ है। करीब 250 एकड़ जमीन में फैला यह भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ घर संघर्ष की दास्तान बयां करता है। वही भारत का राष्ट्रीय गौरव माने जाने वाला इस किले का इतिहास बेहद दिलचस्प है। लाल किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के नाना श्री अनंगपाल तोमर द्वितीय ने सन 1060 में करवाया था। लाल किले का नाप चौक। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिला है। यही इसकी चार दीवारी बनाती है। यह दीवार 1.5 मील 2.5 किलोमीटर लंबी है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 60 फीट करीब 16 मीटर तथा 110 फीट 35 मीटर ऊंची शहर की ओर से है। इसके नाप जोक करने पर ज्ञात हुआ है कि इसकी योजना एक 82 मीटर की वर्गाकार ग्रिड चौखाने का प्रयोग कर बनाई गई है। 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। इस सेना ने इसके करीब 80% मंडपों तथा उद्यानों को नष्ट किया था। इन नष्ट हुए बागों एवं बचे भागों का पुनर्स्थापित करने की योजना सन 1903 में उमेद दानिश द्वारा चलाई गई। लाल किला एक वास्तुकला। सन 1913 में इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित होने से पूर्व की उत्तरकालीन को संरक्षित एवं परीक्षित करने हेतु प्रयास हुए थे। इसकी दीवारें काफ़ी सुचिकता से तराशी गई है। ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली है, दिल्ली दरवाज़ा एवं लाहौर दरवाज़ा। लाहौर दरवाजे इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर एक लंबा बाजार है चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों से कतारित है। इसके बाद एक बड़ा खुला स्थान है
जहां यह लंबी उत्तर दक्षिण सड़क को काटती है। यही सड़क पहले किले को सैनिक एवं नागरिक महलों के भागों में बांटती थी। यह सड़क का दक्षिणी छोर दिल्ली गेट पर है। नक्करखाना लाहौर गेट से चट्टा चौक तक आने वाली सड़क से लगे खुले मैदान के पूर्वी और नक्करखाना बना है। यह संगीतज्ञों हेतु बने महल का मुख्य द्वार है। दीवान ए आम इस गेट के पार एक और खुला मैदान है जो कि मूलतः दीवान ए आम का प्रांगण हुआ करता था। दीवान ए आम यह जनसाधारण हेतु बना वृहत प्रांगण था। एक अलंकृत सिंहासन था। छज्जा दीवान की पूर्वी दीवार के बीचों बीच बना था। यह बादशाह के लिए बना था और सुलेमान के राज सिंहासन की नकल ही था। नहर ये बहिष्ट राजगद्दी के पीछे की ओर शाही निजी कक्ष स्थापित है। इस क्षेत्र में पूर्वी छोर पर ऊंचे चबूतरों पर बने गुंबददार इमारतों की कतार है जिनसे यमुना नदी का किनारा दिखाई पड़ता है। ये मंडप एक छोटी नहर से जुड़े हैं जिसे नहर ए बहिष्ट कहते हैं जो सभी कक्षों के मध्य से जाती है। किले के पूर्वोत्तर छोर पर बने शाह बुर्ज पर यमुना से पानी चढ़ाया जाता है। यहाँ से इस नहर को जल आपूर्ति होती है। इस किले का परिपूप कुरान में वर्णित स्वर्ग या जन्नत के अनुसार बना है। यहाँ लिखी एक आयत कहती है यदि 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 पृथ्वी पृथ्वी पर 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 कहीं 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 जन्नत जन्नत है 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 तो वो यही यही है है यही यही है है यही यही है है है। महल की योजना मूल रूप से इस्लामी रूप में है, परंतु प्रत्येक मंडप अपने वास्तु घटकों में हिंदू वास्तुकला को प्रकट करता है। लाल किले का प्रासाद शाहजहानी शैली का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करता है। लाल किला दिल्ली शहर का सर्वाधिक प्रख्यात पर्यटन स्थल है। यह लाखों पर्यटकों को प्रतिवर्ष आकर्षित करता है। यह किला वह स्थल भी है जहां से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। यह दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक भी है। एक समय था जब 3000 लोग इस इमारत समूह में रहा करते थे, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया एवं कई रिहायशी महल नष्ट कर दिए गए। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। इसी संग्राम के
एकदम बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा भी चला था। यही पर नवंबर 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का कोर्ट मार्शल किया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद 1947 में हुआ था। इसके बाद भारतीय सेना ने इस किले का नियंत्रण ले लिया था। बाद में दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन प्राधिकारियों को सौंप दिया। इस किले पर दिसंबर 2000 में लश्कर ए तोयबा के आतंकवादियों द्वारा हमला भी हुआ था। इसमें 2 सैनिक एवं 1 नागरिक मृत्यु को प्राप्त हुए। इसे मीडिया द्वारा कश्मीर में भारत पाकिस्तान शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास बताया गया था। किला पर्यटन 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने यह परिसर भारतीय सेना के हवाले कर दिया था। तब से यहाँ सेना का कार्यालय बना हुआ था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 56 साल पुराने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंपा दिया। इस समारोह में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है, पर अब हमारे इतिहास और विरासत के एक पहलू को दुनिया को दिखाने का समय है।